पिछले दिनों हुई लगातार बारिश की वजह से सुसवा नदी उफान पर रही, जिसकी वजह से डोईवाला और बुल्लावाला को जोड़ने वाले एकमात्र सुसवा नदी के पुल की सेफ्टी वॉल का लगभग 40 मीटर हिस्सा बह गया। ऐसे में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया। सूचना पर विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुल का निरीक्षण किया और पुल को बचाने के लिए तुरंत काम शुरू कर दिया गया। निरीक्षण करने पहुंचे विभागीय अधिकारी अधीक्षण अभियंता अनिल पांकी व एक्शन धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि सुसवा नदी में बाढ़ की वजह से पुल की सेफ्टी वॉल बह गए हैं, जिसका काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही बताया कि फिलहाल भारी वाहनों की आवाजाही भी चालू रहेगी। इसमें थोड़ा सा नीचे स्कॉरिंग है, उसको बंद करने के लिए हम लोग उसमें अभी तो हम मटेरियल भर रहे हैं, इसको वायर क्रेट अभी लगा के इसको प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा, उस समय बाद इसका परमानेंट प्रोटेक्शन कर दिया जाएगा। सर क्या वजह है? बेसिकली जो हमारे 100 मीटर में खनन हो जा रहा है उसमें गहराई बहुत अधिक कर दे रहे हैं लोग, इससे स्कॉरिंग बढ़ रही है। सुरक्षा नहीं, सर कोई इसमें अभी डेंजर नहीं है, कोई भारी वाहनों के लिए रोका नहीं जाएगा।